गाइस आई होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे। अब हम करेंगे आदि कैलाश की यात्रा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखिए रास्ते के नज़ारे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, सो ब्यूटीफुल नज़ारे हैं। नज़ारे देख के तो ये लग रहा है मन अंदर से बहुत ही खुश हो गया है। सभी लोग कह रहा वाह क्या ब्यूटीफुल नज़ारे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। पर नज़ारे तो बहुत अच्छे हैं पर रास्ते बहुत ही ख़तरनाक हैं। आप लोग भी जाएं तो ज़रा संभल कर जाएं क्योंकि कहीं पे कच्चे रास्ते हैं और खाइयाँ बहुत ही बड़ी बड़ी नीचे खाइयाँ हैं। पानी जो नदी बह रही है वो तो बहुत ही धड़ 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 पानी बह रहा है, बहुत ही अजीब सा लग रहा है, डर लग रहा था। और जो नज़ारे हम लोग देखते हुए जा रहे थे वो बहुत सुंदर लग रहे थे, पर मैं कुछ देख पा रही थी कुछ नहीं क्योंकि मेरे तो मुझे चक्कर आ जाते हैं तो मैं लेट जाती हूँ। और वैसे तो मैं उठ उठ के देख रही थी पर वो ब्यूटीफुल नज़ारे, सो ब्यूटीफुल नज़ारे, वाओ कितने सुंदर दृश्य हैं आ रहे हैं। ये देखिए कितने सुंदर पहाड़ हैं, बहुत ही इन पहाड़ों को देख के तो अंदर से मन बहुत खुश है। पहाड़ों पर जाने की कुछ बात ही अलग है, पर बहुत ही खतरनाक रास्ते होते हैं। उसमें रास्ते में ये व्यू था जो वहाँ पर फोटो खिंचवाए थे कुछ। ये देखिए कितने सुंदर पहाड़ लग रहे हैं, देखने में बहुत ही सुंदर नज़ारा है। वाओ सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर एक गणेश भगवान की कह के जो पानी बहाव रहा था वो यहाँ पर पड़े थे, यहाँ पर वो भी पड़ा था। वो मतलब वो ले नहीं पाए हम फ़ोटो क्योंकि गाड़ी चल रही थी ज़्यादा, ये जो उतर के इन्होंने फ़ोटो लिया क्योंकि पानी का बहाव वहाँ पे बहुत तेज़ था, बहुत ही ज़्यादा। फाइनली अब हम आ गए हैं आदि कैलाश, अब हम आदि कैलाश आ रहे हैं। ये देखिए ये भगवान शंकर भगवान का त्रिशूल है, ये भगवान शंकर की शिवलिंग रखी हुई है। और ये देखिए आदि कैलाश है, ये कैसे त्रिकोण बनाते हैं जो तीन उंगलियों से, वैसे ही बर्फ से उनकी तीन उंगलियों का त्रिकोण बना हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, इतने सारी भीड़ है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, सभी लोग इतना अच्छे से वहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। और मैंने भी करे थे, सबसे पहले भगवान के भोलेनाथ के दर्शन करे थे और फिर हम लोगों ने थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह लिया था, वीडियो वगैरह बनाई थी जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। वाह ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव के जयकारे लग रहे थे वहाँ पर, इतने अच्छे जयकारे लग रहे थे। वाह देख के तो मन खुश हो गया, ये लग रहा था कि यहीं रुक जाएँ, एक दिन और रुकना चाहिए। और हम लोग रुक नहीं पाए क्योंकि छोटा बच्चा साथ में था, उसे बहुत ही ज़्यादा सर में अजीब सा दर्द सा हो रहा था। ये बहुत, ये देखिए आ वाह, हर हर महादेव, हर हर महादेव की जय हो भोलेनाथ की जय हो। ये फिर हमने फिर दोबारा से ये वीडियो बनाई थी जो शिवाय करके ये जाप हो रहा है। ये देखिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले की नगरी है, भोले की नगरी तो इसी ऐसी पहाड़ों पे होती है, उनके उनके लिए वहीं पे पहाड़ों पे इनका वास होता है बहुत ही ज़्यादा। जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर ये रास्ते में हम लोग जब वापसी आए तो एक रास्ते का हमने ये व्यू लिया था जो बहुत ही अच्छा लग रहा था रास्ते में। अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, घूमो सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हर हर महादेव, बाय।